खबर राजस्थान के नोहर से है, जहां नगर पालिका की ओर से सहवा बाईपास रोड पर एक इंटरलॉक फैक्ट्री लंबे चौड़े क्षेत्रफल में सरकारी भूमि पर इंटरलॉक डालकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को आगमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसी दौरान इंटरलॉक फैक्ट्री के मालिक की ओर से इंटरलॉक हटाने को लेकर 2 दिन का समय मांगा गया, जिस पर नगर पालिका तुरंत इंटरलॉक हटवाने शुरू की। अभी ये सावा बाईपास है, इस पे 80 फीट 82.5 फीट की रोड है, उसमें भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। इसलिए तो हम यही चाहते कि लोगों को समझाइश कर, लोगों से वार्ता कर, इनको तुरंत खाली करावें। ये आवागमन यहाँ आजकल ट्रैफिक इधर लोअर रावसर वाली रोड से यहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पूरे नोहर की जो भी आज ये सावा बाईपास पे ये वार्ड नंबर 6 कहलाता है नगर पालिका का, इस पर बहुत मतलब 5 सालों से एक व्यवसायी ने व्यवसाय चालू किया था, जिसमें जिसका नाम दयाराम है, उसने अपनी ये ब्रिक की फैक्ट्री लगाई थी इंटरलॉक वाली, और रेजिडेंशियल जमीन पे लगाई थी। लोगों ने उसको फिर भी ऐसे ही मन से अनुमति दे दी कि भाई ठीक है, कोई अपना छोटा मोटा व्यापार करे। तो अब उस फैक्ट्री का जो है, इन्होंने कम से कम सरकार की 2 बीघा जमीन पर पूरा अतिक्रमण 5 साल